अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हमजा सुहेल है और सहर खान, और आज हम कर रहे हैं BFF टेस्ट। मैं आप लोगों को ये बताता चलूं, हम BFFs बिल्कुल नहीं हैं। We are not best friends। हम in fact दोस्त भी नहीं हैं। जानी दुश्मन हैं। बोल दो। हाँ। आज हमजा सुहेल बहुत गुस्से में। शुरू करते हैं। Their date of birth 27th October 2016। किसकी? ये सहर अंडर एज है और क्या कहते हैं, मेरा ख्याल 2015 है या शायद नहीं। अच्छा, मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 साल 30 तो हो ना, तो आई थिंक उस हिसाब से आई थिंक पिछले महीने में आई थी बर्थडे, तो ये तो मुझे पता है। आई थिंक 1998। यार ये क्या मैथ थी, 30 साल के थे 98। नहीं, 1988। अब से ये ठीक कह रही है? नहीं, आई थिंक नहीं, मैं 35 का हूं। अच्छा जी, their pet peeve शहर की, मेरी pet peeve, ये बिल्कुल ठीक जवाब है। शहर के बहुत सारे pet peeves हैं। शहर बड़ी जल्दी टिक ऑफ हो जाती है, शहर को बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। बट आई थिंक शहर का सबसे ज्यादा pet peeve तब होता है जब शहर को खाना नहीं मिलता। सब इसने अपने बारे में बताया। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, what's their guilty pleasure? जस्टिन बीबर के हमजा गाने सुनता, वो भी पुराने वाले। और फेवरेट सॉन्ग बता दूं? बेबी। यार मैं तुम्हें काफी, मैं तुमसे वादा करवाया था तुम्हें नहीं बताना किसी को। अच्छा, शहर का गिल्टी प्लेजर है शहर नाक में उंगलियां मारता। फर्स्ट टाइम यू मेट देम ऑन सेट? आई थिंक ऑन सेट। और रो रहा था एक लड़का, बहुत परेशान था, कैसे होगा। मैंने समझाया जाके, हमजा मैं हूँ, बना लेंगे कैरेक्टर मिलके। जी बिल्कुल, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत बहुत मेरे पे मेहरबानियां की हैं। फर्स्ट टाइम मैं भी मेरा ख्याल है शहर को सेट पे ही मिला था। हाँ, उस टाइम भी मेरा ख्याल है नाक में उंगली मारी। इफ दे वरंट एन एक्टर व्हाट वुड दे बी? आई थिंक सिंगर, हमजा सिंगर होता। मैं आवाज अच्छी हमजा की, जस्टिन बीबर के गाने। यार शहर एक्टर ना होती तो शहर मेरा ख्याल है बोल दे हमजा। शहर एक फिटनेस फ्रीक होती, क्योंकि इनका पैशन है फिटनेस। ओके जी। अच्छा, व्हाट वाज देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट? आई थिंक रकीब से बादशाह बेगम। फर्स्ट प्रोजेक्ट शहर? ओके, मतलब मैंने तो फेरी टेल में काम किया ना, मुझे कैसे पता होगा? तुमने भी जवाब दिया फिर तुम भूल गई। हाँ, रकीब से। रकीब से ये वजह है हम लोग आज तक बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बन सके और कभी बनेंगे नहीं। अच्छा, सच क्या है? यही है और क्या है यार। शहर का फर्स्ट प्रोजेक्ट चलो मुश्क नहीं, गलत रंग महल आगे गलत। आप हार चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the last time they cried? when was the last time you saw me cry? अली भाई ने जब डांटा था एक दफा, तब थोड़ा सा। अबे कहाँ रोया था मैं, बंदूक के लिए। एक तो अली भाई हमें डांटते नहीं, नहीं डांटते हैं, लेकिन लेकिन अली भाई सामने बैठे हैं। हम रोते नहीं है, क्योंकि अगर हम रोए तो वो और डांटते हैं। नहीं, अली भाई बहुत अच्छे। अच्छा, शहर रोई थी मेरा ख्याल है अभी अंदर आने से पहले, क्योंकि मैं नहीं कर रहा सच, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं। बट फिर भी मैं अभी अच्छे से कर रही हूं। मैं कहने का पॉइंट, माय पॉइंट इज कि शहर बहुत रोती है। अच्छा, व्हाट्स द थिंग दे आर मोस्ट प्राउड ऑफ? आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है मेरा मतलब। नहीं मैं, हाँ, अरे नहीं, नहीं, नॉट प्राउड ऑफ इट। हाँ, ओ रियली? रियली रोज आके लौंडा बिल दिखाता है कि आज शहर मेरा ख्याल है इज प्राउड ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में, इतनी कम से उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया अंडर एज होते हुए। अच्छा, निकनेम क्या है जी उनका? बेबी गर्ल। ये मेरा निकनेम नहीं है, मुझे दिया गया ऑडियंस की तरफ से। वैसे क्या है? नहीं, आई डोंट हैव अ निकनेम। अच्छा, मेरा क्या है? हमारा इसका भी मुझे घर का नहीं पता, बट हम सारे सेट पे इसको छोटे बुलाते हैं। वैसे मेरा चीकू है। तुमने सुना ही मेरे क्या कहे, हम सारे सेट पे इसको छोटे बुलाते हैं। अच्छा जी, चले चले आगे। व्हाट्स देयर इंस्टा बायो? मेरी इंस्टाग्राम की बायो मैंने नहीं देखा कभी। क्या हो सकती है कि मेरी इंस्टाग्राम बायो क्या है? चम जाओ।
छोड़ दो ये तो नहीं लिखी शहर की इंस्टा बायो है मेरा ख्याल है आई एम द बेस्ट क्वीन ऑफ माय ओन फैंटेसी एक ही बात है अच्छा जी अकॉर्डिंग टू गूगल देयर हाइट ओ ये मुझे पता है आई थिंक 3.8 इंच नहीं गूगल पे तो यही लिखी है यार 3.8 चार फुट होगी अच्छा मेरी बताए मेरे जितनी है ज्यादा फर्क है 3-4 इंच बड़ा है कैमरे पे वाजे फर्क नजर आता है वाजे हां तो एक चलो अच्छा मेरी 3 है इसकी 4 शहर को कास्ट पहननी पड़ेगी अगर मैं 3.8 हूं तो ये 4.8 है रात 8 बजे और वो हर सैटरडे को 2 घंटे के लिए आया करेगा हम टीवी पे तो आप लोग जरूर देखेगा और उम्मीद है कि आप लोग हमें उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार दे के हमने इस ड्रामे को बनाया थैंक यू सो मच हमसे ज़्यादा ये आप लोगों का शो है yeah. आप लोगों के लिए बना है ये आई थिंक इन माई वेरी शॉर्ट एक्सपीरियंस आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ बिन मेड फॉर द ऑडियंस प्योरली फ्रॉम द हार्ट तो हमें उम्मीद है कि आप हमें बहुत सारा प्यार रिटर्न में देंगे इंशाल्लाह वी रियली रियली होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छा लगे बाकी आप लोग थैंक यू 8 बजे आ रहे हैं हम दोबारा से थैंक यू सी यू